शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सभी देखते हैं कि आज एक मेजर प्रॉब्लम जो है आज समाज में है वो है इसे GERD कहते हैं, जर्ड के रूप में जानते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसे आम भाषा में एसिडिटी भी कह देते हैं। गैस बन जाती है एक्स्ट्रा मात्रा में, पेट में तकलीफ होती रहती है। तो हम सभी को, मैं तो समझता हूँ समाज में लगभग 50% पॉपुलेशन को ये प्रॉब्लम है। इसके लिए हमें क्यों होता है, सबसे बड़ी समस्या क्या है, कारण क्या है? इसका मेन कारण है हमारा स्पिरिचुअल लेवल पे, वो है खुशी, हैप्पीनेस। अगर हम कहते हैं खुशी जैसे खुराक नहीं, अगर अंदर से खुश नहीं है तो हम कुछ भी खाएं, हल्के से हल्का खाना, वो भी पचेगा नहीं। क्योंकि अगर हम अंदर से खुश हैं तो हमारे सारे हारमोन्स बैलेंस में निकलते हैं, हमारे सारे एंजाइम्स, पेट में एसिड ठीक मात्रा में निकलता है और उससे हमारा खाना पच जाता है। कहते ना, अगर आप खुश हैं तो कुछ भी हजम हो जाता, ताकत आ जाती है। गरीब लोग, भीड़ लोग क्या सिर्फ दाल रोटी या सिर्फ रोटी पर थोड़ी मिर्च लगा के खा लेते हैं तो भी शक्तिशाली रहते हैं, और घरों में खाने वाले पनीर, रोटी, सब्जी क्या क्या खाते हैं, कितनी चीज़ें खाते हैं, कितने सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स खाते, तो भी उनको बीमारियाँ होती रहती हैं। तो मेन बात है मन की खुशी, हमारी जो आत्मा के लेवल पर, जितना हम रियल कॉन्शियसनेस में रहते हैं, सोल कॉन्शियस, बीइंग कॉन्शियस, तो उससे हमारे अंदर, क्योंकि खुशी अंदर की बात है, जितना अधिक हम संतुष्ट रहते हैं, कहते हैं जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, अगर हम इस खुशी में रहने लगते हैं तो हमारा हाजमा अपने आप ही बैलेंस में होने लगता है। दूसरी बात है पेशेंस, धीरज रखें, खाने को चबा चबा के खाएं, इतना चबाएं कि उसमें निगलना ना पड़े। इसलिए कहते हैं खाना पीना चाहिए और पानी खाना चाहिए, अर्थात सिप बाई सिप पानी पीना चाहिए। तो आप जब खाने को अच्छे से चबाएंगे तो उसमें इतना टाइलिन निकलता है लार में कि आधा तो हमारा कार्बोहाइड्रेट वहीं पच जाता है और खाना मीठा लगने लगता है, तब अपने आप नीचे जाता है, खाना 3 घंटा पेट में रहता है, तो उसमें जो है हमारे अंदर जो एसिड निकलता है पेट में और जो एंजाइम्स निकलते हैं, पेप्सिन वगैरह, तो उस पर पूरी तरह से मंथन होता है। कि तो जब आपने खाना ढंग से चबाया है तभी वो खाना पेट में ढंग से पचेगा। तो दोस्तों, आप याद रखें, एक तो खुश रह करके खाना बनाएं, खुश रह के खाना खाएं, और फिर खाने को अच्छे से चबाएं और आराम से बीच बीच में पानी ना पिएं, तो आप देखेंगे आपका हाजमा बहुत अच्छा हो जाएगा, एसिड कम बनेगा और आपके अंदर गैस नहीं बनेगी और आप अच्छा महसूस करेंगे। ओम शांति।